This year's Dada Saheb Phalke Award goes to the famous actor-politician Mr. Vinod Khanna. He's featured in 146 films in his career spanning over four decades. He leaves behind a legacy that will stay etched in our memories for many years to come. राष्ट्रीय एकीकरण पर सर्वोत्तम फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार प्रदान किया जाता है मराठी फीचर फिल्म धप्पा को। इसके निर्माता हैं इंक टेल्स और पुरस्कार लेने आ रही है सुमति पोपटलाल शाह और इनको प्रदान किया जाएगा गदर कमल। सुमति पोपटलाल शाह फिल्म के निदेशक हैं श्री निपुण धर्माधिकारी, इनको भी प्रदान किया जाता है रजत कमल। The film is about the enthusiasm of a group of children, which is disrupted by a political group of religious fanatics. The children decide to take matters into their own hands when the elders direct the project. अगला पुरस्कार है सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का, जो जाता है इंग्लिश किताब मातंगी मणिपुर द फर्स्ट मणिपुरी फीचर फिल्म को। इसके प्रकाशक हैं एंगोंग निंगथाउ प्रिजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। पुरस्कार प्राप्त करेंगे मुखोन मोनी और इनको प्रदान किया जाता है स्वर्ण कमल। पुस्तक के लेखक हैं श्री बॉबी वाशिंगटन, इनको भी प्रदान किया जाता है स्वर्ण कमल। बॉबी वाशिंगटन's book महात्मा गी मणिपुर is the first Manipuri feature film and provides a vivid account of the socio-political scenario in which Manipuri regional cinema was born. सर्वश्रेष्ठ निर्देशन नॉन फीचर फिल्म वर्ग में दिया जा रहा है पाल साचा निबंध को। इसके निर्देशक है नागराज मंजुले और इनको प्रदान किया जा रहा है स्वर्ण कमल। दिस इज अ रियलिस्टिक एंड मूविंग स्टोरी टोल्ड विद सिनेमैटिक स्किल एंड एम्पैथी। अगला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ जसारी फिल्म के लिए और ये प्रदान किया जाता है सिंजर को, जिसे आज निर्देशक की सर्वोत्तम प्रथम फिल्म के लिए भी इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया था। निर्माता शिबू जी कृष्णन को प्रदान किया जाएगा रजत कमल। फिल्म के निर्देशक है श्री पंपल्ली, आज ही उनका दूसरा पुरस्कार है। पहले वो स्वर्ण कमल ले चुके हैं, अब इनको प्रदान किया जाएगा रजत कमल। जसरी डिपिक्ट्स द अग्ली फेस ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म विद अ रियलिस्टिक मैन। सर्वोत्तम
पुरुष प्लेबैक गायक का पुरस्कार प्रदान किया जाता है तमिल फिल्म विश्वासपूर्वम मंसूर के गीत कोय मरंजा कालम के लिए केजी यशवास Yesudas has recorded more than 80,000 songs in many Indian languages during a career spanning more than 5 decades. He has achieved a lot. He has a rustic, flamboyant voice which has a touch of yearning. सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार जाता है तमिल फिल्म काटरू वेली इडई के लिए संगीत निर्देशक एआर रहमान को. और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन बैकग्राउंड म्यूजिक का भी पुरस्कार प्रदान किया जाता है एआर रहमान को हिंदी फिल्म मौन के लिए. इन्हें प्रदान किए जाते हैं 2 रजत कमल. Composition of melodious songs and for the heart-rending background score in the film, Mom. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मॉम के लिए मरणोपरांत श्रीदेवी को दिया जाता है और उनको प्रदान किया जाएगा रजत कमल. हम आमंत्रित करते हैं स्वर्गीय श्रीदेवी के पति श्री बोनी कपूर और उनकी बेटियां जानवी और खुशी कपूर को कि वे कृपया मंच पर आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें. इन द मूवी मॉम श्रीदेवी प्लेड द रोल ऑफ अ मदर अंडरगोइंग ट्रॉमा बिकॉज हर डॉटर इज गैंग रेप. She plays the role with her exceptional acting skills. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जाता है बगला फिल्म नगर कीर्तन को. अभिनेता रिद्धि सेन इनको मिलता है रजत कमल. नगर कीर्तन का ये आज का 4th पुरस्कार है. रिद्धि सेन गेट्स द अवार्ड फॉर डिस्प्लेइंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अ बॉय हु चेंजेस हिज जेंडर इन द बंगाली फिल्म नगर कीर्तन. He is a character taught in personal and social trauma. सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है मराठी फिल्म भयानकम को. ये इस फिल्म का 2nd पुरस्कार है. सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार लेने के लिए आ रहे हैं निर्देशक श्री जयराज और इनको प्रदान किया जाएगा स्वर्ण कमल. मलयालम फिल्म भयानकम आउटलाइंस द इंपैक्ट ऑफ वॉर बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मेटाफर्स टू अ पोस्टमैन हु डिस्ट्रीब्यूट्स टेलीग्राम्स एंड लेटर्स टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ सोल्जर्स इन अ स्मॉल विलेज. और अब यह फीचर फिल्म श्रेणी का सर्वोच्च पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और ये पुरस्कार इस बार प्रदान किया जाता है असमी फिल्म विलेज रॉक स्टार्स को. आज ये इसका 4th पुरस्कार है. इसके निर्माता हैं क्राइम रिवर फिल्म और निर्देशक भीमा दास और इनको प्रदान किए जा रहे हैं 2 स्वर्ण कमल. विलेज रॉकस्टार हैज वन 3 अवार्ड्स बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट बेस्ट लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट बेस्ट एडिटिंग कैटेगरी. इट्स अ मार्वेलस पिक्चराइजेशन ऑफ अ विलेज इन असम वेयर अ 10-year-old गर्ल ड्रीम्स ऑफ हैविंग हर ओन रॉक बैंड. शी अचीव्ड दिस इन रियल लाइफ विद द हेल्प ऑफ अ गैंग ऑफ बॉयज
and the support of her widowed mother. सर्वश्रेष्ठ संपादन का भी पुरस्कार इसी असमी फिल्म विलेज रॉकस्टार्स के लिए संपादक रीमा दास को प्रदान किया जा रहा है. ये इनका तीसरा स्वर्ण कमल है. जोरदार तालियों का अभिनंदन करते हैं निर्माता, निर्देशक और संपादक रीमा दास का. रीमा दास has juggled and edited the short duration stretches in the film Village Rockstar with Truella.